फ्रेंड, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे दानेदार घर पे बनाना मिठाई, तो आप हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं और साथ में आप खुद देखिए कितने ये दानेदार बने हुए हैं और बिल्कुल घर के बेसिक चीज़ों से ही बने हैं। सिर्फ एक दो चीज़ों से ही समझ आई कि ये बने हुए हैं। तो इस रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। नमस्ते दोस्तों, आज दूध है, गर्मी का सीजन चल रहा है तो दूध अक्सर फट ही जाते हैं, कितना भी सावधानी से रखते हैं फट ही जाते हैं। तो दूध फट गया है, ये दूध 1 लीटर के करीब है, तो इनका हम मिठाई बनाएंगे जो बिल्कुल दानेदार बनेगी। तो इनका सबसे पहले हम पानी जो है किनारे उनको हम निकाल लेते हैं, एक छन्नी में छान लेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा पानी इसका कम कर दिया है, पूरा मैंने इसका पानी कम नहीं करा है। तो अब इसी बर्तन में हम इस खोए को जलाएंगे। गैस को जला लिया है और इसी पे अब इसको रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये गर्म हो गया है और ये पकने लगा है, तो इनके पानी को हम थोड़ा सा जला लेंगे। बिल्कुल फुल फ्लेम आँच है इनका। फ्रेंड ये देखिए, 1.5 से 2 मिनट लगे हैं, इनका पानी बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, चीनी ऐड करेंगे। चीनी फ्रेंड्स 4 चम्मच हम ऐड करेंगे, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उनको भी अच्छे से हम चला लेंगे। और यहीं पे हम इलायची, कुटी हुई इलायची डाल दे रहे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स चीनी भी घुल गई है, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रीमी टेस्ट देने के लिए हमने 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है। इनको फ्रेंड्स चलाते हुए पूरा इनका पानी हम सुखा देंगे और बराबर चलाएंगे ताकि कलर इनका ज़्यादा ब्राउन ना हो, और जो किनारे किनारे ये लगे रहते हैं इनको भी साथ में छुड़ाते रहेंगे। और इनको फ्रेंड्स बहुत जलाना नहीं है। अब ये देखिए पूरी तरह से पानी इनका सूख गया है और अच्छे से ये सेट भी हो गया है, लेकिन हल्का हल्का हम थोड़ा सा इनको ब्राउन कर देंगे। अगर आप चाहते हैं यही थोड़ा सा हल्का सा वाइट ही क्रीमी जो कलर एक होता है, तो यहीं पे आप निकाल लें प्लेट में, लेकिन हम थोड़ा सा इनको ब्राउन कर ले रहे हैं। तो 1 मिनट और हम इनको थोड़ा सा सुखा लें। अब हम गैस को फ्रेंड ऑफ कर देंगे और ये बिल्कुल हमारा हल्का ब्राउन कलर ले लिया है। अब इसे ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएगा। अब इनको फ्रेंड्स हम फटाफट से एक प्लेट में हम इनको सारा निकाल लेंगे। अब फ्रेंड्स इनको हम 1 चम्मच की सहायता से इनको हम चौकोर कर देंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए, मैंने इनको सेट कर लिया है और इनके ऊपर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हम डाल दे रहे हैं। तो इनको भी ऐसे ऐसे हल्का हल्का प्रेस कर देंगे और थोड़ा सा इनको सेट होने देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, फिर उनको कट लगा के दिखाते हैं फ्रेंड। तो लीजिए फ्रेंड, बिल्कुल सेट हो गया है हमारा जो कलाकंद मिठाई था, जो हमने जो फटे दूध का बनाया हुआ था, तो सेट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड इनका कट लगा लेते हैं, इनके पीसेज अलग कर लेते हैं। बहुत अच्छे से फ्रेंड सेट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कि एक मैं बाइट को उठा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं कितने दानेदार, जो बाज़ार से हम जो 400 रुपये की मिठाई लेकर आते हैं बिल्कुल 40 रुपये में ही रेडी हो गया है। तो इसी तरह से एक एक हम इनका सारा अलग कर लेंगे। और फ्रेंड
अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 500 वाली मिठाई 50 रुपये में घर पे बन के बहुत आसानी से तैयार हो जाती है और ये बिल्कुल फटे हुए दूध से बनी है। तो आप इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें, आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने दानेदार बनी हुई है। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें।